ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवी नागर। और बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दीजिए आप। तो यार टाइम नहीं मिल पाता उसके कारण, क्योंकि शूट करने में बहुत हेक्टिक हो जाता है ना। पर फाइनली आज मैंने टाइम निकाल लिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, और उसके लिए दिल से धन्यवाद सभी को। सभी को थैंक यू बोलना था यार, इसलिए मैंने सोचा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाई जाए। और इस वीडियो में मैं अपना पूरा प्रॉपर सेटअप दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं काम करता हूँ, है ना। और ये एक मैं पोर्ट्रेट भी बना रहा हूँ, कमीशन पोर्ट्रेट है ये। तो इसको भी मैंने 50% कर लिया है, बट 50% मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मैं काम करता हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा स्नीक पीक मिल सके कि किस तरह से मैं काम करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट गाइस। तो ये बेसिक सा सेटअप है मेरा, देखिए। तो ये अभी मैं नया नया शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी टेबल है जिसपे मेरी पैलेट रखी हुई है, देखिए, है ना। यहाँ पे सारे ब्रशेस रखे हुए हैं, ये मेरी पैलेट रखी हुई है टेबल पे, और यहाँ पे मेरा ईजल है जिसपे मैंने काम रख रखा है, है ना। और ये मेरी चेयर है जिसपे मैं बैठता हूँ, और यहाँ लैपटॉप है जिसमें से मैं देखकर बना रहा हूँ। बेसिकली मैं वैसे तो फ़ोन से देख के बना लेता हूँ, बट फ़ोन से अभी इस टाइम पे मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया ताकि मैं इसमें से देख के बना सकूँ। तो ये वाली फ़ोटो है जो कि हमें बनानी है, है ना, ये लेडी की। तो अभी देखिए फेस पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है ना, बस आँखों में मैंने आउटलाइन की है। तो आज हम इसका फेस करेंगे। तो हो गया मेरा सेटअप, बेसिक सिंपल सा सेटअप है। यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ पैलेट रखता हूँ, एंड यहाँ मैं काम करता हूँ यहाँ से देख के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसा सेटअप है। और अब हम बात कर लेते हैं कलर मिक्सिंग की। तो सबसे पहले पैलेट पे आ जाते हैं। तो पैलेट में आप देख सकते हो कौन से कलर हैं, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, ब्राउन है, और ऑरेंज है, और येलो है। तो ये सारे कलर हैं मेरी पैलेट में, ठीक है। बहुत ही कम कलर है, ऐसा कोई स्किन कलर नहीं है, आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्ट कोई, क्योंकि स्किन कलर हम डायरेक्ट लगाते हैं ना तो वो टोन नहीं मिल पाती। हर किसी की स्किन की टोन अलग होती है, तो हमको स्किन टोन उस हिसाब से बनाना पड़ता है। डार्क टोन होती है तो डार्क बनाना पड़ता है, लाइट होती है तो लाइट बनाना पड़ता है। ब्राउन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का यूज़ करके हमको स्किन टोन बनाना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक थोड़ा काम करा हुआ है इनके हैंड्स में। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने पहले भी बनाया था, है ना। अभी मैं फिर से बनाऊंगा कलर, और आपको बताता हूँ कि मैं कैसे कलर बनाता हूँ स्किन टोन, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, ओके, लेट्स टेक अ ब्रश फर्स्ट, तो ठीक है ना। तो स्किन टोन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वाइट कलर चाहिए रहेगा, ठीक है। पहले ही मैं थोड़ी ज़्यादा स्किन टोन बना के रख लेता हूँ ताकि उसको फिर हम बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर इसमें वाइट में, ठीक है, वाइट में हमको येलो मिलाना है, ठीक है। ये देखो येलो मेरी पैलेट में पहले से निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वाइट में हमें येलो मिलाना है। आपके पास अगर ऑरेंज है तो आप ऑरेंज भी मिला सकते हैं। जो स्किन कलर बनाना या किसी भी टाइप का कलर बनाना है आपको, तो उसके लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। आपको अपने आप कलर मिक्सिंग करते करते ना समझ में आने लगता है कि आप क्या कलर मिलाएंगे तो क्या कलर बनेगा, ठीक है। अब देखिए, आप देखें यहाँ, ये पूरा एकदम येलो येलो सा हो गया है ना, बट ये स्किन कलर तो कहीं से नहीं लग रहा। बट इसमें आप हल्का सा अगर रेड मिलाएंगे ना, देखिए बिल्कुल ज़रा सा रेड का टच, ज़्यादा रेड नहीं मिलाना है, है ना, हल्का सा रेड चाहिए बस। तो अगर हम इसमें रेड मिलाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा स्किन टोन में चेंज होने लगा है ना, और रेड थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हमने बहुत सादा कलर बनाया है, है ना। बट ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ही रेड मिलाइएगा वरना एकदम पिंक हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गया बेसिक स्किन कलर, ठीक है, है ना। अब हमको इसको अगर लाइट करना है इस कलर को, तो हम इसमें वाइट मिला सकते हैं, और अगर इसको हमको डार्क करना है तो हम इसमें ब्राउन मिला सकते हैं। ये रखा है ब्राउन, बंसियाना, ठीक है, इसको बंसियाना भी कहते हैं और आप ब्राउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर इसमें हम बंसियाना कलर मिलाएंगे तो ये और डार्क हो जाएगा, और इसको अगर हमको लाइट करना है तो हम इसमें वाइट मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टोन हमारी स्किन टोन की हमको मिल गई। और तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो रेफरेंस है, तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे देखो आप थोड़ा येलो टोन दिख रही है अगर आप देखेंगे ध्यान से, और यहाँ पर ना थोड़ा सा रेड टोन दिख रही है इस साइड में। ये चीज़ें ना बार बार नोटिस करने से ही आपको पता चलेंगी, आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना समझ में आएगा। अगर आप नेक पे देखिएंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे आपको येलोइश दिखेगा,
तो यहाँ पे थोड़ा येलो ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, मुझे रेड कम यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ में आएगा कि आपको स्किन में कौन सा कलर अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हो गई कलर मिक्सिंग की बात। तो अभी ये बेसिक कलर बनाया है मैंने सिर्फ, अब इसमें ही हम येलो मिक्स करेंगे, बंसियाना मिक्स करेंगे और वाइट मिक्स करेंगे सारे तरह के टोन बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर स्किन का होता या ब्लश किसी का यूज़ किया होता और हमको वो बनाना है, तो हम इसमें रेड और ज़्यादा मिलाते तो वो ब्लश वाला इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये पूरी कलर मिक्सिंग हो गई है ना, अब हम आते हैं हमारे मेन काम पे और काम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम। ओके, तो अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो कलर करते वक्त कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हमने जो कलर बनाया है वो हमको पूरे फेस पे नहीं लगा देना है, हमको ना एक तो छोटा ब्रश यूज़ करना है। ये देखिए काफ़ी छोटा ब्रश है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी बड़े साइज़ का ब्रश को यूज़ करते हैं, जैसे ये ब्रश हो गया। इससे क्या होगा ना, बड़े साइज़ का आप ब्रश यूज़ करोगे तो आप एक ब्रश को थोड़ा ही लगाओगे ना तो वो पूरा भर जाएगा, समझ रहे हो। आपको पूरा भरना नहीं है, आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका फेस है वो फ्लैट नहीं होता है, उसमें पूरा सिमिलर टोन नहीं होती है। हर जगह हर एक एक सेंटीमीटर पे ना टोन चेंज हो रही होती है, कहीं डार्क टोन होती है लाइट के चक्कर में, कहीं पे डार्क या लाइट टोन होती है, जैसी लाइट पड़ रही है उस पर वैसा उसमें टोन आता है और इफ़ेक्ट आता है और उसी के कारण वो 3D लगता है। तो अभी हम जहाँ जहाँ पे भी लाइट है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, है ना। और एक्रेलिक में हम डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क दोनों ही जा सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लाइट कलर है वहाँ पे इस कलर को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है एंड चिक्स पे यहाँ पे लाइट है, तो हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा फिल करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अपने को पूरा नहीं फिल करना है, ऐसा नहीं है कि हमने स्किन कलर लगा ली और अभी मैंने कलर को देखो थोड़ा सा टोन चेंज हो गई है कलर की, थोड़ा और लाइट हो गया। मैंने अभी इसमें वाइट मिलाया है, थोड़ा सा और लाइट किया है इसको, क्योंकि चिक्स पे जहाँ पे जो सबसे आगे होता है ना जो एरिया, जैसे चिक्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो ये जो पोर्शन रहेगा ना यहाँ हमेशा लाइट रहेगी। अगर फ्रंट से आ रही है लाइट तो, है ना, यहाँ पे लाइट रहेगी तो ये हमेशा लाइट रहेगा। आपको रेफरेंस फ़ोटो जो है वो देखना पड़ेगी और उसमें आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हाइलाइट्स देने हैं और कहाँ पे आपको डार्क रखना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप जब अच्छे से आपके रेफरेंस फ़ोटो को जिससे आप देखकर बना रहे हैं उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको वही चीज़ समझना है, ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट में। आपने अगर ऑब्ज़र्व कर लिया तो आप किसी भी चीज़ को देखकर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके स्किन टोन फिल करेंगे, देखो, है ना। और बहुत पेशेंस का काम है, बहुत आराम आराम से करने का काम है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और 5 मिनट में आपने किसी के भी फेस पे स्किन टोन कर दिया, नहीं, आपको बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर जगह, आपको देख देख कर करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है फेस पे काम करने में। तो अभी रात के 3:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैं उठा हूँ जस्ट और मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने लगा मैं, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि शायद समझ में नहीं आ रहा होगा जो कलर लग रहा है, बट मैं ना बहुत लाइट कलर लगा रहा हूँ इसमें, बहुत लाइट कलर लग रहा है क्योंकि मैम का जो कलर है वो थोड़ा फेयर साइड पे ही है क्योंकि लाइट पड़ रही है। आपको ये पहले से जज नहीं कर लेना, जैसे हम क्या करते हैं, कोई किसी का कलर अगर डार्क है तो हम पहले ही उसमें ब्राउन कलर लगा देते हैं उनके फेस पे, ऐसा नहीं होता है। किसी का कलर अगर डार्क भी है अगर तो भी उसके फेस पे ये वाली वाइट टोन हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल डार्क है तो पूरा ब्राउन होगा, है ना। अगर उसके फेस पे अच्छे से लाइट पड़ रही है तो उसके फेस पे वाइट टोन भी आ सकती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि किसी की बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो उस पर पूरा फेयर ही रहेगा, है ना, उसमें भी डार्क टोन आ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्क टोन आ सकती हैं उसमें भी, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पे शेडो आती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये यहाँ पे पूरा शेडो एरिया है,
ठीक है, यहाँ पे पूरा शेडो एरिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैम का इतना ज़्यादा डार्क है ये वाला पोर्शन, बट यहाँ पे अगर शेडो आ रही है तो ये उतना डार्क रहेगा, समझ रहे ना आप? तो आपको बस देखते जाना है कि कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट, एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई कलर। जैसे यहाँ पे हल्का हल्का सा डार्क शेड आ रहा है तो मैंने यहाँ पे डार्क लगा दिया, राइट? एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पे आप हल्का सा यू कर सकते हैं। और फेस में ना मर्जिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मर्जिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेस उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि मर्जिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कलर जो होते हैं, जो टोन होती है ना, वो प्रॉपरली मर्ज होती है फेस पे, तो आपको मर्जिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, राइट? ये देखिए, ठीक है, तो ये प्रॉपरली देखिए, ये फोरहेड मैंने पूरा प्रॉपरली अभी मर्ज कर दिया है, और ये इतना जल्दी होता नहीं है, अभी मुझे बहुत सारे इसमें करेक्शन करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को शायद सुधारना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें करनी पड़ेंगी, ठीक है, ऊपर से। इस टाइप से आपको ध्यान देना है सिर्फ कि कहाँ लाइट है, कहाँ डार्क है, कहाँ हाईलाइट है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारे कलर लगाते जाना है, ठीक है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे हल्का सा चिक्स के नीचे वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है हमेशा, हमेशा नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर फ्रंट फेसिंग लाइट आ रही है और एक साइड से अगर लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर भी लाइट हो सकती है। आपको कोई भी थंब रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा यहाँ पर लाइट ही होता है या डार्क ही होता है, ऐसी कोई चीज़ आप याद ना कीजिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको ऑब्जर्व करना है और आपको बस कलर लगाते जाना है ना, तो सिर्फ कलर अप्लाई करते जाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे ना, बहुत हार्ड एज आ गया, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने मर्जिंग नहीं की है, अब मेरे को वहाँ पे प्रॉपरली मर्जिंग करनी पड़ेगी। मर्जिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा लाइट कलर लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे को इसको पूरा प्रॉपरली मर्ज करना पड़ेगा ताकि ये इसमें दिखे मिक्स। ओके, ये देखो थोड़ा मैंने मर्ज किया है, और ऊपर के लाइट से और ज़्यादा मर्ज करना पड़ेगा हल्का सा, और ये देखिए, ठीक है। इस टाइप से आपको मर्जिंग करनी पड़ेगी अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना है तो। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया, ये लाइन पूरी जितनी हार्ड दिख रही थी उतनी हार्ड रही नहीं है, और अभी यहाँ पे स्टिल और डार्क रहेगा, मैंने थोड़ा सा लाइट करा इसको, थोड़ा सा और मुझे शायद डार्क करना पड़ेगा इसको, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क करेंगे हम। ओके, तो इसी तरह से आपको हर जगह हर शेड देखकर आपको इसको फिल करना रहता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, है ना, लोग क्या करते हैं, हाउ टू ड्रॉ नोज, हाउ टू ड्रॉ आई, ये सब के ट्यूटोरियल बनाते हैं, बट आपको ना इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये आँख है या ये नोज़ है या ये लिप्स हैं, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। आपके लिए सब सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक ये लिप्स हैं तो ये लिप बस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको देखना है इसमें कौन सा कलर है और आपको लगा देना है। आप पहले से अगर डिसाइड कर लेंगे कि ये लिप्स हैं तो इसमें पिंक कलर ही होगा तो आप पिंक करेंगे, क्या पता आपको अगर लाइट के थ्रू अगर आप ऑब्जर्व करें तो किसी के लिप्स में आपको वाइट भी दिखेगा, कहीं पे आपको रेड भी दिख सकता है, एंड इवन आपको ब्लू या ग्रीन भी दिख सकता है, क्योंकि जैसी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसा ही शेड दिखता है हमें, ठीक है। तो आप अगर पहले से ही ये जज कर लेंगे कि ये लिप्स हैं तो इस पे रेड ही रहेगा या फिर पिंक ही रहेगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये आईबॉल्स हैं, इसमें यहाँ पे पूरा वाइट भर देते हैं,
ऐसा नहीं होता है गाइस, यहाँ पे पूरे वाइट नहीं होते, किसी के में रेड टोन होता है, या फिर अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कहीं से, ब्लू लाइट आ रही है तो ये ब्लू भी दिखते हैं, थोड़े से ग्रेइश से होते हैं, एकदम वाइट नहीं होते। और ये जो आईबॉल्स हैं मैंने एकदम ब्लैक कर रखी, ये भी ब्लैक नहीं होती, इन पे अभी काम होगा, ये सिर्फ मैंने आउटलाइन करने के लिए ब्लैक किया था। और बालों पे भी काम होगा, बाल एकदम ऐसे ब्लैक नहीं रहेंगे, इसमें पूरे शेड्स बनेंगे बाल के, एक एक बाल ऐसे करके बनाना पड़ेगा, तो वो सब भी मैं अभी बनाऊंगा और आपको बताऊंगा एक एक प्रोसेस, ठीक है? अभी के लिए मैं इनका फेस डन करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इनकी आंखें बनाते तो हाँ गाइस, बेसिक कलर्स मैंने फिल कर दिए हैं सारे के सारे, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। अभी इसमें डिटेलिंग में काम होना पूरा बाकी है, सिर्फ बेसिक कलर फिल हुए हैं। जैसे कि मैंने बाल में एक बेसिक कलर लगा दिया, वैसे ही फेस पे एक बेसिक कलर लग गए हैं, सारे टोन्स मैंने लगा दिए, कहाँ क्या होता है। अभी आँखों में डिटेलिंग में काम होगा, नोज़ में डिटेलिंग में काम होगा, एंड लिप्स और इन सब में, सब में डिटेलिंग में काम होगा, तो लेयर वाइज ही काम होता है। और ये देखो पैलेट का हाल, ये रही पैलेट, है ना, ये जो कलर हमने बनाया था इसमें से ही मैंने सारे कलर बनाए। यहाँ पे वाइट मिला के थोड़ा सा लाइट बना लिया, एंड ब्राउन मिला के यहाँ पे डार्क बना लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्लू मिला के, देखिए ये वाला शेड बना लिया ब्राउन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको कलर्स बनाने हैं और बेसिक शेप्स फिल कर देना, ये नहीं देखना आपको कि ये फेस है, ये गोरा है या ये काला है, ऐसा नहीं करना है ना। तो अभी के लिए मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, तो अभी मैं कुछ बनाता हूँ खाने के लिए। और ये देखो, ये होना चाहिए आपके पास अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है अगर जैसे आप निकलें तो ये देखो, ये मैं इस पर स्प्रे कर दिया, अब ये कलर ना सूखेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना एक्रेलिक कलर सूखते बहुत ज़्यादा जल्दी हैं यार, मतलब अगर आप यहाँ से उठ के चले जाओगे तो ये सारे कलर सूख जाएंगे, मतलब आधे घंटे में तो पूरा एकदम पूरा सूख जाएंगे ये कलर, तो हमको ये नहीं करना है। इस पर स्प्रे मार दो गीले पानी का, तो ये अब एक घंटे तक सूखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे को भूख लग रही है, तो मैं कुछ बनाता हूँ, ढूंढता हूँ किचन में कुछ, अभी रात के 4 बज रहे हैं फिलहाल। तो हाँ गाइस, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, अभी मैंने इसमें आधे घंटे काम किया होगा, एंड अभी 4 बज गए हैं रात के, तो अभी कुछ बनाते हैं किचन में, ढूंढता हूँ क्या है खाने को, और फिर खा के फिर डबल से काम स्टार्ट करेंगे। इसको ख़त्म करना ही है, इसलिए मैं इतना जल्दी उठ गया आज, क्योंकि इसकी डेडलाइन आ गई है, आज लास्ट डे है, और इसको बना के मुझे क्लाइंट को पार्सल भी करना है, तो इसके लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है यार, रात को 3 बजे उठ के मैं काम कर रहा हूँ, तो एक लाइक कर देना इस मेहनत के लिए, ठीक है। चलो अब कुछ बनाते हैं और खाते हैं। ओके, तो भाई किचन में देखो क्या मिला हमें, मैगी मिल गई है आधी रात को, मतलब रात की क्रेविंग और मैगी मिल जाए तो मज़े आ जाए। तो अभी बनाते हैं मैगी, 2 मिनट में तो बनती नहीं है, तो आज इतने भी मिनट में बनेगी बनाते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट में तो नहीं, बट हाँ 10 मिनट में ज़रूर बन गई है मैगी। इसको मस्त खाएंगे, यस। सिंपल मैगी बनाई है मैंने, एकदम सिंपल। ओके, तो मैगी खाते खाते एक बार पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी कलर को प्रीजज नहीं करना है, जैसे कि अगर कोई ब्लैक है तो आपको उसको पहले से ब्राउन कलर नहीं मिला लेना बहुत सारा, और अगर किसी का स्किन टोन बहुत फेयर है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसमें वाइट डाल दिया पूरी तरह से, तो आपको ऐसा नहीं करना कि उसमें स्किन टोन में वाइट डाल दिया पूरी तरह से। आप ना देखिए कहाँ कौन सा कलर है ना, आपके रेफरेंस फ़ोटो में देखिए कहाँ कौन सा कलर है, उसके अकॉर्डिंगली आप कलर बनाइए और लगाइए। और एक बेसिक कलर ना आपको पहले ही बना के रख लेना है, जो कि जिसके साथ आप डार्क कलर मिलाए तो वो डार्क हो जाए, और लाइट कलर मिलाए तो लाइट हो जाए, है ना, जो भी स्किन टोन है उसके हिसाब से बेसिक कलर एक बना के रख लीजिए, है ना। दूसरी चीज़, आपको किसी भी शेप को भी प्रीजज नहीं करना है, सिमिलरली आँखों को या फिर नोज़ को या लिप्स को, ठीक है, ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। और सेकेंडली आपको क्या, एक छोटे ब्रश का यूज़ करना है ना, ताकि आप पूरा फिल ना कर दे एक ही पैच में पूरा का पूरा जो भी आपका फेस है ना। तो मेक श्योर कि आप किसी छोटे पॉइंट के ब्रश को यूज़ कर रहे हो, बहुत बड़ा ब्रश यूज़ ना करें, ठीक है। इस टाइप का ये मीडियम साइज़ है, इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट हाँ इससे बड़ा प्लीज़ ना यूज़ करें, है ना। तो ये दूसरी टिप हो गई। और तीसरी टिप है कि अगर आपको रात को भूख लगे तो आप मैगी बना के खा लें, ठीक है। चलो
अभी मैगी खाता हूँ, फिर डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके सो लेट्स स्टार्ट डिटेलिंग। और अभी डिटेलिंग के लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करने वाले हैं, ये 000 ब्रश है ब्रस्टो का, है ना, पतला सा ब्रश है लॉन्ग हेयर वाला, तो इसका हम यूज़ करेंगे और आँखों में डिटेलिंग स्टार्ट कर देंगे अभी हम। तो सबसे पहले आँखों का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको हम फिल कर लेंगे। बट अब अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना, बट अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से वाइट नहीं होता है ये, है ना, इसमें हल्का हल्का सा मुझे ग्रे दिख रहा है, तो मैं ग्रे फिल करूँगा और हल्का सा इसमें मैंने ब्लैक टच करा, हल्का सा, है ना, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो कलर आपको दिखता है वो ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और ये वाली साइड थोड़ी और ज़्यादा डार्क है, तो इसको हल्का सा डार्क और करेंगे। देखो इस साइड में ना, इस पोर्शन में थोड़ी सी, इस पोर्शन में ना थोड़ी सी शेडो आ रही है, तो यहाँ पे ना ये ग्रे ज़्यादा है, वाइट कम है, बट इस पोर्शन में ना उतनी शेडो नहीं आ रही, लाइट आ रही है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइट रहेगा, यहाँ पे हल्का सा वाइट रहेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वाइट है और कहाँ पे ग्रे है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। और अब हल्का सा ना आँखों में भी ग्रे स्टोन है, तो आँखों को भी ना हल्का सा ग्रे कर लेंगे। तो गाइज आँखों में डिटेलिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तो आप देखिए अब कितना ज़्यादा लुक उसका वैसे आने लगा है, रियलिस्टिक लगने लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब जल्दी से नोज़ में डिटेलिंग कर लेते हैं, देन लिप्स में डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको रिज़ल्ट बताता हूँ एंड रिज़ल्ट डायरेक्ट। आइज़ और नोज़ में ऑलमोस्ट डिटेलिंग हो चुकी है, अब स्टार्ट करेंगे हम लिप्स से, ठीक है। तो लिप्स में हम पहले तो डार्क शेड जो भी रहेंगे वो फिल कर लेंगे प्रॉपरली, इस तरह से हम थोड़ा डार्क शेड जितने भी हैं उनको पहले फिल कर लेंगे। ओके सो मोस्टली जो फेस है ना, फेस की डिटेलिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब बस थोड़ा बालों में काम बचा हुआ है, देन ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब बालों में हम थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बालों में पहले मैं थोड़ा सा बेस कलर दे दूँगा ब्लैक, ठीक है, बहुत डार्क है इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैक दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से, ये देखो, ठीक है। बालों का कलर हाईलाइट है बालों में, बट अभी पहले मैं ब्लैक कर दूंगा, उसके ऊपर से हाईलाइट लगाऊंगा तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। मैंने ये पहले सिर्फ जज करने के लिए थोड़ा सा कलर लगा दिया था ताकि हम इसको प्रॉपरली जज कर सकें, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे और सिमिलरली इस तरफ भी मैं ब्लैक कर लूँगा। फाइनली गाइस पोर्ट्रेट डन, और आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, थोड़ा डिटेलिंग में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए है ना। तो ये रहा हमारा फाइनल पोर्ट्रेट,
ओके सो गाइज फाइनली पोर्ट्रेट डन। और इससे रिलेटेड किसी का भी कुछ भी डाउट हो ना, या मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं बताने का ट्राई करूँगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, है ना। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मुझे और क्या वीडियोज़ बनाना चाहिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगा, है ना। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और सब बता दो जो भी आपका है। और हाँ, और मैंने एक व्लॉगिंग चैनल भी चालू किया है, तो प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी स्टार्ट किया है ना, तो उसको भी 100K पहुँचा दो यार। अभी तो स्टार्ट किया, उस पर 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए यार, तो कम से कम 100 तो करवा दो यार, ठीक है। तो चलो बाय, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।